हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी व्लॉग्स। तो आज मैं स्वागत करता हूं आपको इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी बाइक के वाइज़र को आप अपने खुद के स्कूटी पे या बाइक पे कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, कैसे आप उसको कोई भी प्रोफेशनल टूल्स यूज़ करे बिना ही कट करके अपने बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो, ये बताने वाला हूँ। तो एंजॉय करिए वीडियो को। तो ये है डीबी वाइज़र है शायद, मेरे को भी उतना पता नहीं है। ये मैंने परचेज़ किया है 400 रुपीज़ में। तो इस पर ऑलरेडी दो होल्स है, इसी में एडजस्ट करने वाले हैं। तो मार्किंग मैंने ऑलरेडी कर लिया है यहाँ पे, ये देख लीजिए। तो हम लोग इससे एक्सा ब्लेड से कट करेंगे और पॉलिश पेपर से पॉलिश करेंगे, ये देख लीजिए लुक अप। और इस वाइज़र को हम मेरे फ्रेंड के डीओ BS6 में लगाएंगे, तो आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो ये ही होल्स में अब हम एडजस्ट करने दे ट्राई करेंगे। तो आप चाहे तो कहीं पे भी कर सकते हो अपने गाड़ी के हिसाब से, तो हमने ये चूज़ किया है। बाकी ये देखो मार्किंग, हाँ ये देख लो, ये मार्किंग है। तो इसे अब हम कट करके पॉलिश वॉलिश करके बिठा देंगे गाड़ी पे। तो आगे ना, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना डीओ BS6 के मॉडिफिकेशन के डिटेल्स के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। आगे बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लो। तो फ़िलहाल में BS6 पे कॉन्सनट्रेट करेंगे। तो ये देखो वाइज़र लगा रहे हैं, आगे मडगार्ड का आएगा। तो 500 सब्सक्राइबर्स होने पे मैं मडगार्ड का इंस्टॉलेशन का फुल वीडियो लाऊंगा। जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर्स कर दो, आपके बहुत सारे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे DM आ रहे हैं, तो डाल देंगे 500 सब्सक्राइबर्स होने पे। तो चलो वीडियो में चलते हैं और आप एंजॉय करो वीडियो को, हम कट करके इसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। A few inches later.
next day. The light.